तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज का सत्र शुरू करने से मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनचैतं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां ललिता विशाखान्वितांश। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणामामि। हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं श्री गुरुदीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के सत्र में। आज एक्चुअली हम करेंगे उपदेशामृत का दूसरा श्लोक। जो पहले श्लोक में हमने क्या देखा पहले उसका थोड़ा हम रिपीट करते हैं और फिर आज हम करेंगे दूसरा श्लोक उपदेशामृत का। ये छोटी सी बुक है जिसमें सिर्फ 11 श्लोक हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, तो इसका हम दूसरा श्लोक करेंगे आज। टॉपिक है आज का सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। और सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग कैसे करें वो एक्चुअली इस श्लोक से पता चलेगा। तो उससे पहले हम देखते हैं पहले श्लोक में हमने क्या देखा। पहले श्लोक में हमने देखा कि 6 वस्तुएं 6 चीजें 6 वेग हैं जिनको कंट्रोल करने को हमें सिखाया गया और जिसमें स्पेशली मन सम्मिलित है, है ना। मन एक्चुअली मन कैसे कंट्रोल होगा, भगवान की भक्ति करके मन कंट्रोल होगा। मन कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए करने के बाद कंट्रोल होगा, है ना। भगवान की कृपा भक्ति हम क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम भक्ति करते हैं। तो अब भक्ति भक्ति जब हम करते हैं तो जब भक्ति की बात आती है तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे अड़चने आती हैं हमारे भक्ति करने में। तो उन अड़चनों को कैसे हटाया जाए वो इस श्लोक में बताया गया है। और श्रील रूप गोस्वामी इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जो हमारी भक्ति है ऐसी 6 वस्तुएं हैं जो हमारी भक्ति को घटा सकती हैं, कम कर सकती हैं, खत्म कर सकती हैं। और इसके अगले वाले श्लोक में बताएंगे कि ऐसी 6 वस्तुएं हैं जो हमारी भक्ति को बढ़ा सकती हैं। तो आज हम पहले बात करेंगे इस श्लोक में कि ऐसी कौन सी 6 वस्तुएं हैं जो हमारी भक्ति में अड़चन बनती है और इन 6 वस्तुओं को 6 वस्तुओं से कैसे बचें और इन 6 वस्तुएं कैसे भक्ति खराब करती हैं। तो इस श्लोक के बाद श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में जो तात्पर्य लिख रहे हैं वो तात्पर्य पूरा सामाजिक स्तर पर लिख रहे हैं। और इसमें श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी कोट करते हैं, उनकी जो हमने पहले बात की थी अनावृत्ति करके। इसी उपदेशामृत को अनावृत्ति नाम की पुस्तक है। इस 11 श्लोकों को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी उसमें टिप्पणी की है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी कोट करते हैं और बताते हैं कि मन के लेवल पे कैसे इन 6 चीजों को जीता जाए। और भक्ति विनोद ठाकुर भी वो आत्मा के स्तर पर बात करते हैं। तो हम ये तीनों डिस्कस करेंगे और एंड ऑफ द डे एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें आत्मा के लेवल पे ही पहुंचना है। ठीक है, तो आइए आज का श्लोक पढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी 6 चीजें हैं जो हमें इस भक्ति में अड़चन बनती है। ठीक है, श्लोका बहुत अच्छा है। अत्याहार प्रयाश्चस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौलस्यम षड्भिर्भक्ति विनश्यति। क्या बोल रहा है, षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ये 6 चीजें जो है भक्ति को विनाश करती है। कौन सी 6 चीजें, जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है उससे भक्ति विनष्ट हो जाती है। कौन सी 6 क्रियाएं सुनिए। अत्याहारस्य यानी आवश्यकता से अधिक खाना, सिर्फ खाना नहीं उसके बाद आगे भी लिखते हैं, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा, उन संसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम रहना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीसरा, संसारिक विषयों के बारे में बातें करना यानी प्रजल्प। ठीक है, चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, है ना। आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं केवल नाम के लिए अभ्यास करना और विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक अपना मनमाना त्याग कार्य करना, है ना। नियम आग्रह का 2 है,
एक नियम आग्रह है, एक नियम अग्रह है, ये हम दोनों समझेंगे, ठीक है। फिर पांचवी वस्तु है ऐसी संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का संग करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते, संगस त्यागो सतोवृत्ते। आगे बताएंगे कैसे हम छह इनको करेंगे वो, ठीक है, जो छह वस्तुएं हैं जो भगवान की भक्ति में हमें आगे बढ़ा सकती है। लेकिन पहले श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि ये छह वस्तुएं हैं जो हमें भगवान की भक्ति से दूर करके लेके जाती है, भगवान की भक्ति दूर खत्म करती है। और छठी वस्तु है सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। तो अभी हम ये छह चीजों को समझेंगे और हम तीनों जो है सामाजिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और आत्मा के स्तर पे इन तीन छह चीजों को समझेंगे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के हिसाब से, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हिसाब से और श्रील प्रभुपाद के हिसाब से। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे 12 पेज का तात्पर्य लिखा है, तो कृपया आप ये उपदेशामृत बुक खरीदें, केवल 40 रुपए की है। आप पूरा तात्पर्य पढ़िएगा, मैं आपको सिर्फ मेन मेन चीजें इसमें से बताऊंगा, क्योंकि 12 पेज का तात्पर्य पूरा डिस्कस करना तो आपको कम से कम 5-6 घंटे चाहिए। तो हमें ये सेशन छोटा है, 40-45 मिनट का रखना है, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली सब चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद पहली लाइन बहुत ही अच्छी लाइन लिखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन लिखते हैं, कि क्या लाइन लिख रहे हैं, मनुष्य जीवन सदा सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है, मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। सादा जीवन और उच्च विचार यानी आज का टाइटल क्या है हमारा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लेकिन नॉर्मली प्रॉब्लम क्या है हमारी पता है, हमारी नॉर्मल प्रॉब्लम ये है कि हम सिंपल लिविंग तो हो जाते हैं लेकिन हाई थिंकिंग नहीं हो पाते, या क्या होता है हाई लिविंग हो जाती है और नो थिंकिंग हो जाती है। तो हमारी प्रॉब्लम वहां पे है। तो हम सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग कैसे एक साथ रख के चलें, वो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में डिस्कस करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद आगे बताएंगे इस तात्पर्य में कि तीन प्रकार की शक्तियां हैं भगवान की और हम किस प्रकार की शक्तियां हैं, और वो तीन प्रकार की शक्तियों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि तात्पर्य में तो इसमें तो ये छह चीजें बताई हैं जो चीजें खत्म करनी है, उससे डायरेक्ट शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तीन शक्तियों के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो हमने देखा है कि सादा जीवन फिर भी हो सकता है लेकिन हाई थिंकिंग नहीं हो सकती। तो आगे तात्पर्य पढ़ते हैं और उससे हमें पता चल जाएगा कैसे। चूंकि सारे बद्ध जीव श्री भगवान की तीसरी शक्ति के वश में, अतएव यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीवों के कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। श्री भगवान की तीन मूल शक्तियां, पहली शक्ति अंतरंगा शक्ति कहलाती है, दूसरी शक्ति तटस्थ शक्ति और तीसरी बहिरंगा शक्ति है। तो हम भगवान की तटस्थ शक्ति है लेकिन हम क्या है, बहिरंगा शक्ति के अधीन है। एक्चुअली आत्मा जो है, आत्मा भगवान ने बनाई ही किसी के अधीन रहने के लिए है ना, किसी की सेवा करने के लिए ही है। आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। आत्मा किसी न किसी की सेवा करने में लगी रही है। अगर आप कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो आप बहिरंगा शक्ति की सेवा करोगे, माया की सेवा करोगे। अगर आप कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो आप किसी न किसी और की, बॉस की, किसी न किसी की सेवा करते रहोगे। तो आपका मेन धर्म आत्मा का, हमारा जो धर्म है वो तो है, हमारा धर्म क्या है कि सेवा करना। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान श्रील प्रभुपाद बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति की बात लेके आ रहे हैं। क्यों, अगर हम बहिरंगा शक्ति में आ जाएंगे, पहले तो हमें समझना है बहिरंगा शक्ति है क्या। बहिरंगा शक्ति है कि हमें बाहर की शक्तियां दिखाती है ना, भगवान कृष्ण की बाहर की शक्तियां दिखाती है, और उससे हम सोच भी नहीं पाएंगे कि हम बहिरंगा शक्ति से अट्रैक्टेड हो गए हैं, और क्या हमें वो वस्तुएं बाहर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, और बाहर की तरफ अट्रैक्ट करेंगी तो ये छह चीजें होंगी। क्या चीजें होंगी, अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह जनसंगस्य लौलस्यम है ना, षड्भिर् भक्ति विनश्यति। ये बहिरंगा शक्ति से हम जब अट्रैक्ट होंगे तो ये छह चीजें जो है हम करने लगेंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे ये तीन शक्तियों के बारे में पहले बात कर रहे हैं, और उसके बाद उसको श्रील प्रभुपाद है ना पूंजीवादी लेवल पे यानी कम्युनिस्ट लेवल पे और क्या बोलते हैं पूंजीवादी और साम्यवादी के लेवल पे लेके आएंगे है ना, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट लेवल पे भी इस श्लोक को समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद जो है उनका विजन देखिए कितना, हृदय उनका कितना बड़ा है, विजन कितना विशाल है, तो उसको समझने के लिए हमें पूरा तात्पर्य पढ़ना जरूरी है। लेकिन मैं आपको मेन मेन बातें इसमें समझा लूंगा। और बहिरंगा शक्ति क्या है, क्या करती है, दूसरा
हमें दूसरों के बारे में सोचने के ऊपर मजबूर करती है, क्योंकि हम बहिरंगा शक्ति की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अंतरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या करती है, हमें अपने अंदर के बारे में सोचने के लिए विवेक देती है, और बहिरंगा के या बाहर के बारे में सोचने का ध्यान जो है वो हटा देती है। और अंतरंगा यानी अंदर, हमारे अंदर क्या है उसके बारे में सोचने की सेल्फ रियलाइजेशन शक्ति, उसकी अगर शर्म शरण में जाएंगे तो वो सोचने की हमें शक्ति और विवेक देती है। तो बहिरंगा शक्ति क्या करती है, हमारे जो विवेक है उसको खत्म कर देती है। मतलब हमारी आत्मा के बारे में हम क्या सोचना चाहिए वो खत्म कर देती है। तो उससे क्या होगा, ये छह चीजें होने लगेंगी, है ना। और हम लोग बहिरंगा शक्ति क्या है, और दूसरा क्या करती है अंतरंगा शक्ति से, जो व्यक्ति बहिरंगा शक्ति में है, सपोज हम सब बहिरंगा शक्ति से अट्रैक्टेड, और हम कभी अंतरंगा शक्ति के अंडर में जाएं, सपोज मंदिर में जा रहे हैं तो हम लेक्चर सुनेंगे तो हमें क्या होगी, नींद आएगी। क्यों? क्यों हम, क्योंकि हम बहिरंगा शक्ति से अट्रैक्टेड है। उसका उलट भी होगा, जो व्यक्ति अंतरंगा शक्ति से अट्रैक्टेड है भगवान की, है ना, महामाया और योग माया, तो जो भगवान की अंतरंगा शक्ति से अट्रैक्टेड है तो उसको आप मूवी दिखाने लेके जाओ तो उसको मूवी में नींद आएगी। क्यों? क्योंकि उसको भगवान के भजन अच्छे लगते हैं। तो अंतरंगा शक्ति से अट्रैक्टेड, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको तिलक लगाया है, कुर्ता पहना है, धोती पहना है, कंठी माला पहनी है तो आप अंतरंगा शक्ति से अट्रैक्टेड हो, नहीं। ये तो सिर्फ बाहरी है, ठीक है, लेकिन ये भी जरूरी है, इट्स अ स्टार्टिंग। और भगवान श्रील प्रभुपाद बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति के लिए बारे में इसलिए बात करें क्योंकि वो छह वस्तुएं जो बहिरंगा शक्ति के कॉन्टेक्ट में आते हैं वो छह वस्तुएं करता है। तो हम बहिरंगा शक्ति के अधीन हो चुके हैं। तो हमें क्या होता है, जो व्यक्ति बहिरंगा शक्ति के अधीन हो चुका होता है वो अननेसेसरी चीजें जो है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, अननेसेसरी पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, अननेसेसरी नॉलेज कलेक्ट करना स्टार्ट करता है जिसका उसके जीवन में कोई भी लाभ नहीं होता, कोई भी लाभ नहीं है। जिसमें देखो बहुत सारे लोग बुक लिख रहे हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कौन सी बुक लिख रहे हैं, और बहुत सारे लोग वो बुक पढ़ते भी हैं। क्यों पढ़नी है भाई वो बुक, शास्त्र पढ़े आप, अंतरंगा शक्ति के अंडर में आए ना, शास्त्र पढ़े ना, क्यों आप बहिरंगा शक्ति के उसमें जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अंतरंगा शक्ति के शरण में आओ, भगवान की शरण में आओ तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर हम अंतरंगा शक्ति के अधीन हो जाएंगे तो क्या होगा, आत्मा, ठीक है, वो ज्ञान कलेक्ट करेगा। कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान कलेक्ट करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति अंतरंगा शक्ति के अंदर आता है तो उसके उसके दो ही गुण होते हैं। कौन से? एक दिव्य गुण कलेक्ट करता है, डिवाइन क्वालिटीज कलेक्ट करता है, और वो दूसरा क्या करता है, भगवान के लिए भावनाएं कलेक्ट करता है ना, भगवान के लिए भावनाएं कलेक्ट करता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये सोसाइटी खोली है। देखिए सामाजिक विजन आ गया ना यहाँ पे, श्रील प्रभुपाद ने पूरे समाज के लिए सोचा, इसलिए कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना, खोला है। और दूसरा हम देखेंगे, नॉलेज हम लें लेकिन राइट नॉलेज लेना चाहिए और राइट पर्सन से लेना चाहिए, है ना, मोर नॉलेज नहीं लेना है हमें, राइट नॉलेज और राइट पर्सन से लेना है। मोर नॉलेज लेके फायदा क्या है, फालतू का नॉलेज लेके फायदा क्या है, उसको भी अत्याहार बोल रहे हैं। ये श्लोक में श्रील प्रभुपाद ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लेके उनकी उनकी जो अनावृत्ति में कमेंट्री है वो लेके वो कोट कर रहे हैं। अत्याहार मतलब क्या है, अत्याहार मतलब ये है कि अननेसेसरी नॉलेज भी लेना, उसको जो भौतिक नॉलेज है अननेसेसरी नॉलेज लेना भी उसको अत्याहार कहा गया है ना। अत्याहार यानी अननेसेसरी पैसे भी कलेक्ट करना अत्याहार कहा गया। मैं एक लेक्चर सुन रहा था हमारे गुरु महाराज का, वो बता रहे थे कि अगर आप जब मर जाओगे और आपकी आपकी बैंक में 25 लाख रुपए पड़े हैं तो आपने वो 25 लाख रुपए जितना 25 लाख रुपए कमाने में जितना समय लगाया वो आपने समय वेस्ट कर दिया। हम सोचते हैं मैं अपने पुत्रों के लिए अपने परिजनों के लिए रख के जाऊं पैसे, लेकिन अगर आपका पुत्र है ना सही है तो वो क्या करेगा, वो अपनी अपनी कुशलता से आगे बढ़ के वो पैसे कमा लेगा। और जो व्यक्ति आपका पुत्र है ना कुपुत है तो वो क्या करेगा, आपने कितने भी पैसे रखे हो उसको शराब जारू जुआ लड़कीबाजी उसमें वेस्ट कर देगा। तो किसके लिए हमें पैसे रखने हैं भाई, सादा जीवन जीना है ना। श्रील प्रभुपाद कहते थे अगर किसी को सादा जीवन जीना है तो एक खेत हो उसके पास, एक गाय हो और अपना अपनी खेती करे और गाय का दूध पिए, बस
उसके लिए ही तो सिंपल जीवन हाई थिंकिंग है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हाई लेवल का जीवन जी रहे हैं। क्या जी रहे हैं, बहुत सारी क्या कर रहे हैं, बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं और गाय को पाल नहीं रहे, और हम बहिरंगा शक्ति के अट्रैक्ट में आके अत्याहार पे कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। अगर आज की डेट में कोई बड़ा बिजनेस छोड़ के एक खेती करेगा और गाय पालेगा और थोड़ा सा भगवान का प्रवचन करेगा, भजन करेगा, तो उसको बैकवर्ड बोला जाता है। पर एक्चुअली वो व्यक्ति बैकवर्ड नहीं है, उसकी उसका जो नॉलेज है वो हायर नॉलेज है, उसको हायर टेस्ट मिल चुका है। इसको ही तो बोलते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बहुत सारे लोग जो साम्यवादी लोग हैं वो क्या करते हैं, साम्यवादी लोग बोलते हैं एवरीबॉडी इज इक्वल, परंतु और वो क्या करते हैं, पैसे कलेक्ट करते हैं लोगों से और फिर क्या करते हैं, बांटते हैं, सब में एक जैसा बटना चाहिए। लेकिन आप मेहनत कोई भी कितनी भी करें, लेकिन सब में एक जितना बटना चाहिए, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं साम्यवादी लोग। लेकिन उनकी भी इक्वालिटी में फर्क है। वो लोग बोलते हैं जो नीचे वाले हैं वो इस तरह से इक्वल है और हम हायर लेवल के इक्वल है। तो ये भी एक्चुअली वहां पे भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इक्वालिटी क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी ये है कि मैं भगवान की सेवा करूं, लोगों को भगवान की सेवा में लगाऊं, अत्याहार ना करूं। लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अत्याहार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा ना, अत्याहारस्य प्रयासश्च, ज्यादा क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और जब हम ज्यादा प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे, काम वासनाएं और ज्यादा भुगतेंगे, और ज्यादा प्रयास करेंगे तो शरीर भी खराब हो जाएगा, है ना। तो इससे हमें समझना चाहिए, प्रयास करना है, जिसको प्रयास करना है तो भक्ति में प्रयास करो, भक्ति में टाइम लगाओ, है ना। अधिक प्रयास करना है तो उसमें करो, ये फालतू पैसे कमाने में, ज्यादा पैसे कमाने में और ज्यादा अत्याहार करने में, धन संग्रह करने में क्या है। अत्याहार श्ल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोट करके अत्याहार का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं श्ल प्रभुपाद, कि एक एक है ना बोरी रखी जाए चावल की और गेहूं की, तो उसमें पंछी आएंगे, जो भी पक्षी आएगा वो क्या करेगा, बर्ड्स वगैरह आएंगे तो वो अपने हिसाब से अपना दाना चुग के चले जाएंगे। लेकिन अगर एक मनुष्य आएगा क्या करेगा, वो बोरी की बोरी उठा के लेके जाएगा, वो लौलस्यम हो गया। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियम आग्रह लौलस्यम, है ना, लौल्यम हो गया, लालची है हम लोग, तो हम धन संग्रह कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये फूड स्कैर्सिटी क्यों आ रही है ना, फूड स्कैर्सिटी क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि आप देखो कितने धन संग्रह जमाखोर लोग बैठे हैं, अनाज की कमी नहीं है कहीं पे भी, लेकिन क्यों आ रही है फूड स्कैर्सिटी, क्योंकि लोग संग्रह कर रहे हैं और जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो वो बाहर फेंक देते हैं। पूरे वर्ल्ड में लाखों लाखों टन है ना अनाज वेस्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो प्राइस बढ़ने का है ना करते हैं, लेकिन प्राइस बढ़ती नहीं है, फिर वो क्या करते हैं, जो सड़ा हुआ अनाज है वो फेंक देते हैं, किसी के पेट में जाए वो नहीं देखते, है ना। और अफ्रीका देखो, अफ्रीकन कंट्रीज में देखो सब भूखे क्यों मर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि वहां की जमीन में है ना घाना वगैरह की जमीन में कॉफी उगानी चाहिए। अरे मूर्ख लोग हैं, उस जमीन में फल फ्रूट उग सकता है, ऐसा नहीं है नहीं उग सकता है, वहां पे अनाज भी उग सकता है, उगाएंगे तो अफ्रीका की पूरी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो है ना क्या कर रहे हैं, अनाज की जगह कॉफी उगा रहे हैं, लोगों को नशा दे रहे हैं, तो कॉफी उगा के क्या कर रहे हैं, लोगों का माइंड चेंज करके कॉफी पिला रहे हैं, तो वहां पे भूखमरी बढ़ रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। श्रील प्रभुपाद बहुत सारा चीज इसमें कोट कर रहे हैं, आइए हम पढ़ते हैं थोड़ा तात्पर्य अत्याहार को क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद। मैंने आपको अंतरंग और बहिरंगा शक्ति के बारे में बताया, और दूसरा जो हमने एग्जाम्पल दिया, जो आदमी है वो पोटली लेके पूरा बोरी लेके चला जाएगा, तो इसमें श्रील प्रभुपाद एक श्लोका भी कोट कर रहे हैं ईशो उपनिषद का, ईशावास्यम इदम सर्वम तेन त्यक्ते न यत्किंचित जगतम जगता तेन त्यक्ते न भुंजिता मा गृद कस्य स्वदा धनम। यानी क्या है इसका ये क्या है, देखते हैं अनुवाद, कि इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक वस्तु चर अथवा अचर वस्तु श्री भगवान के द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं के अधिकार में, अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और उसके भाग के रूप में सुरक्षित कर दी गई है, और यह जानते हुए अन्य वस्तुएं किसी की नहीं है उसे ग्रहण न करे, उसे दूसरों के लिए छोड़ दे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट 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 करना है हम सारी वस्तुओं को। क्यों भाई, क्यों कलेक्ट करना है। मैं हमारे एक रिलेटिव को जानता हूं, पहले तो उसके घर पे इतने ओवन है पूछो नहीं, बहुत सारे ओवन है,
क्यों कर रहे हैं ओवन कलेक्ट पता नहीं है, है ना। एक 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 व्यक्ति को मैं जानता हूं, इतने सारे शूज लेके रखा है हमारे, मेरा एक कलीग है, 40 पैर शू के हैं। भाई क्यों कलेक्ट कर रहा है 40 पैर शू के? तू 40 पैर शू के, तेरे जैसे लोग कलेक्ट करने लग गए, 40-40, 50-50 पैर शूज के लोग कलेक्ट करने लग गए, तो उतना चमड़ा यूज होगा, है ना, उतना चमड़ा यूज होगा तो फिर क्या होगा, उतनी मृत्यु होगी, पशुओं को मारेंगे, उतना ही नेचर को हम लोग डिस्टर्ब करेंगे, फिर ये कोरोना जैसी बीमारियां आती रहेंगी ना। तो ये समझना है हमें, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या है, अत्याहार कर रहे हैं हम। तो आइए हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे, 12 पेज का तात्पर्य है, लेकिन आप अभी हमने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का भी हम थोड़ा समझेंगे, लेकिन श्रील प्रभुपाद की नजर से पहले क्या है उसको समझते हैं। बद्ध जीवों को समक्ष मुख्य समस्या है जो बारंबार जन्म मृत्यु रोग और बुढ़ापा। इस जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वो ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे कृष्ण भावनामृत को संपर्क करने में अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अन्न वस्त्र धन तथा शरीर पालने के हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। देखिए आ गया ना, अत्याहार नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर पालन के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। बट वी आर स्ट्रगलिंग ना, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक्चुअली बहुत सारा कुछ कलेक्ट करना है, परंतु हम अगर एक्चुअली बहुत सारा कुछ कलेक्ट करने को छोड़ के सिर्फ उतना ही कलेक्ट करें जितना हमारे लिए आवश्यक है ना, एक 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 ब्राह्मण का जीवन जिए, एक वैष्णव का जीवन जिए, ठीक है, तो हम कभी दुखी नहीं रहेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। लेकिन हम दुख इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि हम अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह ये करना है। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव न तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं और न संग्रह करते हैं, फलतः पशु जगत में सामान्यतः न कोई आर्थिक समस्या उठती है और न ही आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। देखिए अभी श्रील प्रभुपाद वो कोट कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया, देखिएगा, यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल का रख दिया जाए तो चिड़िया आकर कुछ दाने चुगेंगी और चली जाएंगी, लेकिन मनुष्य तो पूरा बोरा उठाकर लेके जाएगा, है ना, मनुष्य पूरा बोरा उठाकर ले जाएगा, उसके लिए पेट में जितना आएगा उतना वह खाएगा और वो बचेगा उसे भंडार में रख देगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार के अधिक संग्रह अत्याहार वर्जित है और समय सारा विश्व इसी के कारण ही कष्ट उठा रहा है ना, भूखमरी क्यों आ रही है, इसी के कारण तो आ रही है ना। ये देखिए कितना कितनी हाई लेवल की थिंकिंग है, हम तो इधर तक सोच भी नहीं सकते, बहुत हाई लेवल की, समाज के लेवल की, समाज का भला करने की कितनी हाई लेवल की थिंकिंग है, है ना। आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर ये श्रील रूप गोस्वामी की हमने टीचिंग्स, है ना, कर ली तो पूरा विश्व शांति में आ जाएगा, लेकिन विश्व शांति में नहीं आ रहा है। कितने भी यूएन, यूएन में 7 देश 10 देश जितने भी देश हैं, है ना, यूएन पूरा इकट्ठा हो जाता है लेकिन उनके मन मत एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, है ना। 4 कुत्ते एक रूम में रख दो तो क्या करेंगे, भौंकेंगे। उनको बोला जाए कि आप एक रूम में रहो लेकिन एक शर्त है, भौंकना मत एक दूसरे को, ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा भी यूएन मिनिस्ट्री, यूएन वगैरह जो है, यूनाइटेड नेशंस, वो भी ऐसा ही है, है ना। कुछ कुत्ते इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे को अगर भौंक रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस मतलब क्या, सबकी थिंकिंग एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन सबकी थिंकिंग एक जैसी इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्पिरिचुअलाइज नहीं है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं है। तो मनुष्य इसीलिए अत्याहार कर रहा है। आप भी देखें, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम जन्म लेना है। इसी ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व को किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण रह सकता है यदि उसे पास कुछ भूमि और एक दुधारू गाय हो। आ गया ना, एक गाय और कुछ भूमि हो जिसमें वो करे। हमारे पास भी, पूर्वजों के पास भी, है ना, क्या था, जमीनें थी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, बड़े बड़े घर बना दिए, हवेली बना दी। घर में रहने के लिए छोटी सी जगह होनी चाहिए, ठीक है, 6x6 का कमरा होगा तो भी चलेगा, लेकिन हमने अपनी आवश्यकताएं, अपनी इच्छाओं को ऐसा बढ़ा के हमने अपने आप को फंसा लिया, है ना। इसके लिए हम फंस चुके हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े घर बना दिए, स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंगें बना दी, हवेलियां बना दी, है ना, सब बना दिया हमने। ओ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक मेंटो क्या बोलते हैं, बता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैंशन, मैंशन बना दिए, है ना, इतने बड़े बड़े बंगले बना दिए, लेकिन खेती कर नहीं रहे तो फिर भूखे ही मरोगे, क्या होगा। तो लोग इनको बोलते हैं बैकवर्ड्स, लेकिन ये बैकवर्ड्स नहीं है,
हम एक्चुअली अभी पीछे गए हैं, हम तो आगे जाना चाहिए, उस संस्कृति को फिर से अपनाना है हमें, ठीक है। उससे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह वहीं पर अन्न पैदा करता है और गाय से दूध पा सकता है। देखिए बहुत ही अच्छा, इस तात्पर्य को, इस चार लाइन को समझें, कैसे समझें कि उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वहीं पे अन्न उगाएगा और क्या करेगा, भागवतम पढ़ेगा, भगवत गीता पढ़ेगा और दूध से गाय निकाल के पिएगा और उसमें अनेक तरह के व्यंजन बनाएगा, घी बना सकेगा, माखन आएगा, अनेक तरह के व्यंजन बनाएगा, वो हुष्ट पुष्ट रहेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आजकल की कैपिटलिस्ट क्या कर रहे हैं, वो बहुत सरकारें क्या कर रही है, बहुत बड़े बड़े है ना रोड बना रही है, हाईवेज बना रही है, सब कुछ बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है, और हमें क्या करना है, एक जगह से दूसरे जगह काम पे जाना है और आधा समय हमारा वहीं वेस्ट हो जाता है ट्रैफिक में, तो फायदा क्या, इस चीज का फायदा क्या, हम एक्चुअली इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये हमारा वेस्ट ऑफ अ टाइम है। लेकिन अगर हम एक गाय पालें और खेती करें तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाएगा, भगवान की भक्ति करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। हम अत्याहार के चक्कर में हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हम बहिरंगा शक्ति में के अंडर में आ गए, हम अंतरंगा शक्ति के अंडर में जाना चाहते ही नहीं है, तो हमारी प्रॉब्लम यही है। फिर आगे है ना, दूसरा आगे पढ़ते हैं कि दुर्भाग्यवश जैसा कि ऊपर कहा गया है कि धर्म को तो उत्थान के लिए, रोटी पाने के लिए नहीं, कभी कभी मानव समाज तथाकथित धर्म की पद्धति का निर्माण कर लेता है जिसके उद्देश्य भगवान का भौतिक उत्थान है, लेकिन यह वास्तविक धर्म उद्देश्य से बहुत दूर है। धर्म ईश्वर के नियमों का बोध कराता है, क्योंकि इन नियमों को सही ढंग से हो संपन्न करने के लिए मनुष्य भवबंधन से छूटने की दिशा के अग्रसर होता है, यही धर्म का वास्तविक प्रयोजन है। धर्म का वास्तविक प्रयोजन क्या है, इस भवबंधन से छूटना है। दुर्भाग्यवश लोग अत्याहार के वशीभूत होकर धर्म के भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन वास्तविक धर्म लोगों के कृष्ण भावनान्वित अनुशीलन कराते और वह जीवन की कम से कम आवश्यकताओं को तुष्ट होना सिखाता है। भले ही हमें आर्थिक आवश्यकता हो, लेकिन वास्तव में धर्म तो भौतिक अस्तित्व बढ़ाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताओं को प्रदान करने मात्र अनुमति देता है, है ना। हम अपने मेन लक्ष्य को भूल चुके हैं। अभी दूसरा है प्रजल्प, अत्याहार प्रयाश्चर्य, दोनों देख लिया ना, क्योंकि अत्याहार के लिए हम प्रयास करते हैं, ठीक है, अत्याहार प्रयाश्चर्य देख लिया। अभी प्रजल्प क्या है, प्रजल्प यानी व्यर्थ बोलना है। एक्चुअली हम लोग है ना बहुत सारी चीजें बोलते हैं, इसके बारे में बोलते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, है ना। प्रजल्प देखो, न्यूज वाले चैनल भी क्या है, प्रजल्प ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इधर उधर की बातें ही कर रहे हैं। आज सलमान खान ने क्या किया, आज अक्षय कुमार ने क्या किया, आज फलाना स्टार ने क्या किया, आज फलाना क्रिकेटर ने क्या किया, अरे हम क्या करें उनके बारे में जान के भाई, वो हमारे रोल मॉडल थोड़ी है। हमारे रोल मॉडल तो श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, शट गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर होने चाहिए। हम उनको रोल मॉडल क्यों माने, जो दोगली जिंदगी जी रहे हैं, वो कैरेक्टर सामने, पिक्चर के सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, वो दोगली डबल फेस वाले व्यक्ति को हम अपना रोल मॉडल क्यों माने, क्यों माने हम उनको रोल मॉडल। हम रोल मॉडल इनको क्यों नहीं मानते हैं, हमारे आचार्यों को। तो हम प्रजल्प कर रहे हैं, न्यूज चैनल वाले प्रजल्प कर रहे हैं, ये न्यूज पेपर वाला प्रजल्प कर रहा है, कोई भी अपना कुछ आर्टिकल लिख रहा है, कोई अपनी भौतिक किताब लिख दे रहा है, ऑथर, वेरी बुक ऑथर, वो प्रजल्प कर रहा है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है तो लिख के सुना रहा है लोगों को, तो ये प्रजल्प में आ रहा है, ठीक है। तो हम प्रजल्प क्यों करें, हम जो व्यक्ति प्रजल्प करता और कृष्ण भावना भावित नहीं करता, कृष्ण के बातें में बात नहीं करता, भागवतम उसको कहती है वो मेंढक की तरह सिर्फ टर 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 कर रहा है। आएगा श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, सुनते हैं क्यों बोलता हूं, पढ़ते हैं क्यों नहीं बोलता हूं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के वर्ड हम अभी भी सुन सक रहे हैं। मैं तो तात्पर्य पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है श्रील प्रभुपाद मुझसे बातें कर रहे हैं, ये मेरे लिए है, है ना। इस तरह हम पढ़ेंगे तो हमें ये बातें समझ में आएंगी। कभी भी श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ना है तो ऐसे पढ़िए कि तात्पर्य टू, मेरा नाम विशाल कुमार है, टू अशोक विश्वकर्मा, टू सीताराम मोहंती, टू विभु गुज्जर, हाँ टू, और तात्पर्य लिखा फ्रॉम नीचे श्रील प्रभुपाद, तो हम तभी समझेंगे इस तात्पर्य को, नहीं तो आप लाख बार तात्पर्य पढ़ लो नहीं समझ में आएगा। उसको श्लोका से कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा हमें, ठीक है, वो टाइम आते सीखेगा। मुझे भी 2-3 साल लग गए, पहले 2 बार भगवत गीता पढ़ी नहीं समझ में आई, धीरे धीरे समझ में आई, प्रामाणिक गुरु के अंडर में जाके भगवत गीता समझे। आइए प्रजल्प के बारे में सुनते हैं। प्रजल्प का अर्थ है कि व्यर्थ बोलना। जब अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं तो हम टर टर
वाले मेंढकों की तरह तुरंत व्यर्थ बातें करना शुरू कर देते हैं, और ये भक्तों के ऊपर भी लागू करता है। मालूम है बहुत सारे भक्त आपस में मिलते हैं तो क्या हाल है प्रभु जी, हरे कृष्णा, एक दूसरे को दंडवत प्रणाम करेंगे, उसके बाद क्या चल रहा है प्रभु जी, बिजनेस ठीक है, कोरोना है, बिजनेस नहीं है, नौकरी चली गई, अरे कृष्ण के बारे में बात करो भाई। ये एक्चुअली श्रील प्रभुपाद भक्तों के बारे में बोल रहे हैं, बाहर के जो अभक्त हैं, जो नास्तिक हैं, उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि नास्तिक तो वैसे ही टर टर कर रहा है, वो भगवान की बात कभी कर रहा ही नहीं होता है। लेकिन हम भक्त जो हैं उनके बारे में बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद। आप देखो इस्कॉन में या कहीं और कितने भी भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो कितने लोग मिलते हैं आपस में कृष्ण की बातें करते हैं, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई, हम मेंढक की तरह टरटर करते हैं क्यों, हमें कृष्ण की बातें करनी चाहिए। लेकिन आज अब किसी के सामने कृष्ण की बातें करो तो बोलेंगे पागल है, स्पेशली जो कृष्ण के भक्त नहीं है उनके सामने अगर आप कृष्ण की बातें करने लग जाओगे बोलेंगे पागल हो गया छोकरा, अरे इसका इलाज कराओ, घर बार तो छोड़ नहीं देगा, अरे मुसीबत है ये। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, मेरी बातें आपको शायद कड़वी लगेंगी लेकिन यही सत्य है, यदि हमें बातें करनी है तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बातें करनी चाहिए। आ गया जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बाहर है वे ढेरों समाचार पत्र पत्रिका तथा उपन्यास पढ़ने में आ गया, ये भी मैंने बोला आपको, पहली सुलझाने अथा अन्य अनेक व्यर्थ कार्य करने में दिखते हैं। इस प्रकार लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ करते हैं, क्योंकि शक्ति क्यों वेस्ट कर रही है, बोलने में जितनी शक्ति जाती है ना उतनी कहीं और शक्ति नहीं जाती है। अभी मैं आपसे जितनी बातें कर रहा हूं आधा पौना घंटा एक घंटा जो भी बात करूंगा उसके बाद थक जाऊंगा मैं, एक घंटा बात ही नहीं करनी है मुझे। तो पाश्चात्य देश वाले वृद्ध लोग सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करने के तहत मछली पकड़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं और व्यर्थ सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते हैं, एज इफ वो प्रधानमंत्री हैं, है ना, उनके ये बोलने से कुछ हो जाएगा, तो व्यर्थ बातें क्यों करनी है। फिर तीसरा है जनसंघर्ष। जनसंघर्ष यानी कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों से कभी संग नहीं करना चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट में यही है, उसको लंबा लंबा पढ़ना है तो आप श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने केवल कृष्ण भावनामृत भक्तों की संगति करने के लिए रहने का परामर्श दिया, मनुष्य को चाहिए कि वो भगवत भक्तों की संगति रहकर सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। सामान्य व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए राहप्रद होती है, फलस्वरूप भौतिकवादी लोग अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए तरह तरह संगठन तथा क्लब करते हैं, उदाहरण व्यापार जगत में स्कॉट एक्सचेंज में चैम्बर ऑफ संस्थाएं पाई जाती है, और हमने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किया जो लोगों को अवसर प्रदान करे कि लोगों की संगति करे जो कृष्ण का भावनामृत को ना भूल सके। बहुत ही अच्छा है कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग संघ खोल के रखे कि व्यापार की संघ व्यापार बढ़े, लेकिन अभी श्रील प्रभुपाद बोले हमने ऐसा संघ त्याग किया जो कृष्ण भावनामृत संघ है, जो कृष्ण भक्त नहीं है लोग, लेकिन वो कथा में आएगा तो भगवान कृष्ण की ही बातें करेगा, एटलीस्ट वहां पे आके तो कृष्ण की बातें करेगा, इसलिए हमने ये कृष्ण भावना भावित संघ खोला है। इस्कॉन खोलने का पीछे का मेन कारण ये है। आ गया आपके सामने, ठीक है। अभी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका में लिखते हैं कि मानसिक तर्कों या सूक्ष्म चिंतनों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अधिक प्रयास अत्याहार, ये तो मैंने बताया था आपको कि अत्याहार क्या है मानसिक चिंतनों। फिर नियम आग्रह के बारे में क्या बता रहे हैं कि तुरंत लाभ, चौथा, ठीक है, कि तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के विधि विधानों को स्वीकार करना या नियम आग्रह कहा जाता है, जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास में नियम आग्रह कहलाता है। और आग्रह शब्द क्या है पढ़ते हैं, के का अर्थ है कि स्वीकार करने के लिए की उत्सुकता, और आग्रह का अर्थ है कि स्वीकार न करना, इन दोनों का शब्द साथ नियम के साथ जोड़ने से नियम आग्रह बनता है। बहुत ही अच्छा बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो स्पिरिचुअली कुछ चीजें लेते हैं वो अपने फायदे के लिए लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे कथा करते हैं, वो किसके लिए कथा करते हैं कि मैं शास्त्रों का नियम पालन करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि मैं कथा करूंगा और पैसे कमाऊंगा, तो वो नियम आग्रह कर रहे हैं। लेकिन नियम आग्रह क्या है कि ऐसी वस्तुएं करना जो शास्त्रों में है और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करना, वो नियम आग्रह करना। तो नियम आग्रह और नियम आग्रह को श्रील प्रभुपाद ने समझाया, इसमें आएगा जो शब्दों के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं और उन्हें आर्थिक विधि विधानों का ग्रहण करने में कोई उत्सुक नहीं होता, अपितु वह शास्त्र विधि विधानों का कृष्ण भावनामृत प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए।
उनके अवैध मैथुन मांसाहार द्वित क्रीड़ा तथा मद्यक द्रवों के सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। और जनसंघर्ष में एक दूसरा भी है कि मनुष्य को चाहिए कि मायावादियों से बचे, क्योंकि वैष्णवों की निंदा में वो लोग लगे रहते हैं। अत्याहारियों के लिए इन अंतर्गत लोगों में मुक्तिकामी अर्थात सुख चाहने वाले, मुक्तिकामी अर्थात जो निराकार ब्रह्म में विलीन होकर मुक्ति चाहते हैं, तथा सिद्धिकामी अर्थात जो योग सिद्धि करते हैं, ऐसे लोगों की संगति करना है ना वांछित है। जो लोग मुक्ति भी चाहते हैं ना, उनके लिए भी ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रजल्प का अर्थ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर के अनुसार क्या है, मन के लेवल पे। क्योंकि मन में है ना सोचता है ना व्यक्ति कि मैं क्या करूंगा, भगवान की है ना भगवान की मुक्ति पाऊंगा, है ना, मोक्ष की चर्चा भी ये प्रजल्प में कहा जाता है, मोक्ष की चर्चा, क्योंकि वो मोक्ष भी एक भोग की इच्छा है ना। लेकिन हम भी मोक्ष की इच्छा करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, क्योंकि वो हम भगवान की इस यहां से शरीर से छूट के हम वहां जाके भगवान की सेवा कर सके। और जो ज्ञानीवादी है, जो मायावादी है, वो मोक्ष की इच्छा इसलिए करते हैं क्योंकि वो सिर्फ संसार से छूटना चाहते हैं, वो भगवान की सेवा लेना नहीं होता, क्योंकि वो भगवान को निराकार मानते हैं ना, निराकार इसलिए मानते हैं क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, ठीक है। फिर लौलस्यम, लौलस्यम पांचवा है कि लौलस्यम की अंतर्गत श्रेणी साधकर मन का विस्तार करना है, ब्रह्म में विलीन होना, या मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित है। ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करने या तथाकथित आध्यात्म की उन्नति करने के लिए सारे प्रयास कृष्ण भावनामृत में क्या बनते हैं, पथ पर बाधक बनते हैं। इसमें पूंजीवादी आ गया और साम्यवादी, जो मैंने आपको समझा लिया था, ठीक है। श्रील रूप गोस्वामी के उद्देश्य की अवमानना करने के कारण आधुनिक पूंजीवादी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह, और साम्यवादी उनकी संपत्ता के ईर्ष्या के कारण के सारे धन की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। ये मानो आपको बताया था इक्वालिटी और पूंजीवादी और साम्यवादी का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और मैंने आपको ईशावासी मिदम सर्वन का भी बताया था क्या है। तो अभी इसमें क्या है, हमने देख लिया अत्याहारस्य प्रयासस्य प्रजल्प है ना, नियम आग्रह लौलस्यम है ना, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियम आग्रह लौलस्यम, पांच और छठा क्या है के जनसंघर्ष है ना, ये छह की बात हमने कर ली। अभी श्रील प्रभुपाद लास्ट के दो पैराग्राफ में क्या लिखते हैं, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या, थोड़ा हम दो के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और फिर विराम देंगे, ठीक है। यदि मानव समाज आ गया, ये जो मैंने पहले बताया था कि श्रील रूप गोस्वामी की टीचिंग्स में आएगा, यूनाइटेड नेशंस का मैंने जो बात की थी, तो पूरा समाज शांति में आएगा, ठीक है। तो उसका हम समझते हैं कि यदि मानव समाज श्रील रूप गोस्वामी द्वारा गिनाए गए मूलभूत दोषों अत्याचार इत्यादि को छोड़ दे, तो मनुष्यों तथा पशुओं, पूंजीपतियों तथा साम्यवादियों आदि के बीच का सारा वैमनस्य दूर हो जाएगा। वैमनस्य यानी पूरे डिफरेंसेस दूर हो जाएंगे, सब एक मत हो जाएंगे, ठीक है। यही नहीं आर्थिक या राजनीतिक विषमता तथा अस्थिरता की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, है ना। मैंने धन संग्रह की और अनाज संग्रह की बातें की ना श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे, तो ये सब सारी समस्याएं सामाजिक लेवल पे भी दूर हो जाएंगी, ना कि आध्यात्मिक लेवल पे, परंतु आर्थिक लेवल पे भी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यूएन कितना भी चाहे कि सारी समस्याओं को दूर करना, लेकिन नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि दे आर नॉट स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, वो इन टीचिंग्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं। आप कुछ भी कर लो लेकिन नहीं कर पाओगे जब तक इन टीचिंग्स को फॉलो नहीं करोगे। आपका कुछ भी प्रश्न हो तो कृपया लिखें, क्योंकि अभी थोड़ा सा ही एक पैराग्राफ ही बाकी है, वो पढ़ के मैं बंद करूंगा। यही नहीं, यह शुद्ध चेता समुचित आध्यात्मिक शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा जागृत हो जाती है। देखो आ गया ना, जो वैज्ञानिक रीति से कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय का संगठन प्रदान करता है जो विश्व में पूर्ण शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की हृदय पूर्ण शरण ग्रहण करने के लिए भक्ति मार्ग के अवरोधों में अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए, है ना, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया था, अभी फिर भी हम एक थोड़ा रिपीट करते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार अत्याहार क्या है। अत्याहार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार यह है कि ज्यादा ज्ञान लेना, यानी बेकार का ज्ञान लेना, जो ज्ञान कृष्ण भावनामृत के लिए ना हो, भक्ति के लिए ना आगे बढ़ाए, वो ज्ञान लेना अत्याहार है, ठीक है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार
मन के लेवल पे ही है। प्रजल्प बताया था जो मैंने मोक्ष की इच्छा करता है और वो प्रजल्प है, मोक्ष की बातें करना। जनसंघस्य जो मायावादियों का संग करना, उनका भी संग नहीं करना चाहिए, निराकारवादियों का, ठीक है। और नियमाग्रह भी मैंने बताया था। फिर अत्याहार, भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार इंद्रियों का खाना। इंद्रियों का खाना मतलब क्या? इंद्रियों से वो सुने, वो कहें, वो कहें, वो सुने, वो कहें, है ना, वो देखें, गलत वस्तुएं देखें, गलत वस्तुएं सुने, गलत चीजें सुने, है ना। स्पिरिट ऑफ एंजॉयमेंट जिसको कहा जाता है, मैं एंजॉय करूं, वो स्पिरिट ऑफ एंजॉयमेंट आएगी तो काम वासना आएगी, और जो काम वासना आएगी तो उसके बाद क्या, अत्य प्रयास करेंगे, प्रयासस्य, है ना। तो सादा जीवन, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग करना है, जो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया, है ना। गाय रखो, हालांकि अगर हम इस कलयुग में ऐसा नहीं कर पा रहे, लेकिन एटलीस्ट हम प्रयास कर सकते हैं कुछ वस्तुओं का, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के लिए। तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग क्या है, सादा जीवन और उच्च विचार क्या है? सादा जीवन ये है कि बिना वासना के जीवन, और उच्च विचार यानी जो भी कुछ मिलता है, है ना, बिना भोग वासना के, और जो कुछ भी वस्तुएं प्राप्त होती है उसमें क्या है, भगवान की कृपा देखना, भगवान की कृपा को हर जगह पे देखना। तो सिंपल लिविंग मीन्स बिना भोग वासना के जीवन जीना, और उच्च विचार यानी क्या है, जो विचार भोग वासना के बिना हो, और हर विचार में जो वस्तुएं मिली हैं उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करना, उसको बोलते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। बट ऐसा नहीं है कि आपको ठंडी लगी तो आप, है ना, जैकेट नहीं लोगे, नहीं, जैकेट लेना है, लेकिन आप चैंटिंग कर रहे हो सुबह 4 बजे ठंडी में और जैकेट ले रहे हो, जैकेट नहीं पहन रहे, लेकिन जैकेट पहनना है, लेकिन चैंटिंग नहीं भूल जानी है, चैंटिंग करनी है। दिस इज मीन सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, ठीक है ना। आप वस्तुएं अपने भोग के लिए ना लो, आप इसलिए ले रहे हो कि मैं चैंटिंग बराबर कर सकूं, मेरा ध्यान चैंटिंग से भटके ना, इसलिए जैकेट पहनना है, है ना। इसलिए जैकेट नहीं पहनना कि मुझे गर्मी, ठंडी लग रही है तो गर्मी लगे, नहीं, वो पर्पस नहीं होना चाहिए। पर्पस ये होना चाहिए कि मुझे ठंडी लग रही है, गर्मी लगे, क्यों गर्मी लगे, ताकि मैं भगवान का नाम जप बराबर कर सकूं, ठीक है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो अभी अगले श्लोकों में श्रील प्रभुपाद, श्रील रूप गोस्वामी बात करेंगे कि क्या करेंगे। पहले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं, जिसमें ज्यादा भोग होती है वो ज्यादा प्रयास करता है वस्तुएं पाने का, तो प्रयास चस्य उसको भी बोला जाता है, गलत वस्तुओं के लिए प्रयास करना, ठीक है ना। फालतू प्रयास नहीं करना चाहिए हमें, क्या, ठीक है, नहीं तो हमारी भोग वासना बढ़ती जाती है। और जनसंघस्य यानी जैसा संग करोगे वैसा बोलोगे, वैसा देखोगे, वैसा खाओगे, ठीक है। तो ये 6 वस्तु हमें नहीं करनी चाहिए, अत्याहारस्य, प्रयासस्य, प्रजल्प, जनसंघस्य, लौलस्यम, नियमाग्रह, ठीक है, ये नहीं करनी चाहिए। और आगे ये नहीं करेंगे तो हम आगे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, अगर ये किए हैं तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, भक्ति खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, 6 चीजें ऐसी कौन सी करनी चाहिए ताकि हमारी भक्ति आगे बढ़े, ये हम अगले हफ्ते देखेंगे। तो कृपया करके इस लेक्चर से कृष्णा